और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान आया है। मुसलमानों को साधने में जुटे नसीमुद्दीन सिद्दीकी बीजेपी को 2 सीटों पर समेटने का प्लान बताया। मुसलमानों से कांग्रेस के साथ आने की अपील की। वर्चुअल बैठक में बोले हैं वो, बस्ती संत कबीर नगर के उलेमाओं के साथ वो चर्चा कर रहे थे। वर्चुअल चर्चा के दौरान वो एक फॉर्मूला देते हैं, हर जिले के उलेमाओं के साथ वर्चुअल बैठक होगी और उलेमाओं के सुझावों को प्रियंका गांधी को वो सौंपेंगे। तो कुल मिलाकर वो मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट करे और ऐसे बीजेपी को सत्ता से हटाया जा सकता है। ये एक फॉर्मूला वो इस वर्चुअल मीटिंग में उलेमाओं के साथ बात करके रख रहे थे। बड़ी खबर, तो बीजेपी को 2 सीटों पर समेटने का फॉर्मूला उन्होंने इजाद किया है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। वर्चुअल चर्चा के दौरान ये बयान दिया उन्होंने और बोलते हैं कि उलेमाओं के जो सुझाव होंगे उन्हें वो प्रियंका गांधी को सौंपेंगे। रंजीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। रंजीता, बेहद ही हैरान करने वाली ये बात है, इसे क्या कहा जाए? हम हिस्ट्री भी देखते आ रहे हैं और उसके बाद ये जो एक नया फॉर्मूला इजाद किया गया। जीनत, ये तमाम जो चीजें हैं, जो मामले सामने आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर देखे गए हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने ये वर्चुअल मीटिंग की है, प्रियंका गांधी इस बैठक में मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए तो फिर भाजपा की 2 सीटें पहुंच जाएंगी। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और खासकर प्रियंका गांधी इन चीजों में लगी हुई है। आज की इस वर्चुअल मीटिंग में मुसलमान को साधने की कोशिश की गई है और जिस तरह से सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण का आरोप आज तक बीजेपी पर लगता रहा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस चीज को अब भुनाने की कोशिश कर रही है। जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कांग्रेस की, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसको लीड कर रही है और उनका ये मानना है कि जिस तरह से कोरोना महामारी के समय यूपी सरकार ने काम किया है और खासकर कुल मिलाकर एक समुदाय विशेष को साधने की कोशिश हो रही है, तैयारी 2022 को लेकर इसे माना जा रहा है। अलीगढ़ जनपद में गुड इवनिंग शराब ने लोगों की जान ले ली। अट्ठाईस तारीख से मौतों का सिलसिला शुरू होता है और 27 तारीख की शाम को लोग अपने घरों में शराब का सेवन करते हैं। अट्ठाईस तारीख की सुबह प्रशासन को पहली मौत की सूचना मिलती है, जिसके बाद लगातार मौतों के आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं। प्राइमरीली तो यही लग रहा है कि जहर शराब में ही कुछ ऐसी चीज रही गई जिसकी वजह से ये इतनी डेथ हुई है। आखिर शराब में क्या मिलाया गया था, ऐसा क्या था कि अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला अब भी जारी है? उम्मीद थी कि जो लोग अस्पताल में हैं उनकी जान तो बच ही जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा जहर था जो अब भी जान लेता जा रहा है? पहले 3 लोगों की मौत की खबर आती है, फिर यह आंकड़ा 8 होता है और फिर 11, और यह सिलसिला यही नहीं रुकता। 25 से ज्यादा मौत होने के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया। सवाल है कि शराब में जहर कितना था, ऐसा क्या मिलाया गया कि इतने लोगों की मौत हो गई और कहां पर जहरीली शराब तैयार की गई? पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, इसका भंडाफोड़ भी कर रही है। आज हम इस विशेष प्रोग्राम में आपको पुलिस के एक्शन और इस गुनाह के पीछे छिपे चेहरों को बारीकी से दिखाएंगे। मौत पर मातम, गिरफ्त में 50,000 का इनामी,
फरार आरोपियों की तलाश। अलीगढ़ में हुई जहरीली शराब कांड के मामले में अब लगातार कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है और अब तक 33 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो बच गए हैं उन्हें पुलिस की 6 टीमें तलाश कर रही हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। 1 जून तक 90,000 लीटर अवैध अल्कोहल बरामद, खाली बोतलें, ढक्कन, मोहरे, होलोग्राम समेत भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने की सामग्री बरामद की गई। लगातार प्रशासन कार्रवाइयां करता है और पुलिस के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई हुई। अब तक की कार्रवाई में 2 CO, 3 थानाध्यक्ष, 2 चौकी इंचार्ज, 7 आबकारी अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित किया गया। एक तरफ पुलिस कार्रवाई में जुटी है तो दूसरी ओर डॉक्टर जान बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। CMO का कहना था कि 84 लोगों का अब तक पोस्टमार्टम हुआ है और 35 लोगों की शराब से मौत नजर आ रही है, लेकिन बाकी का अन्य लोगों की जांच के लिए बिशरा रिपोर्ट भेज दी है। 1 जून को शाम 5 बजे तक 84 में से 35 की मौत शराब से हुई, 49 लोगों की मौत कैसे हुई बिशरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। उसमें बिशरा रखवा लिया गया है, उनके जो सैंपल हैं वो आगरा सैंपल लैब में जाएंगे टेस्टिंग के लिए और फिर वहाँ से जो रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कर पाएंगे। अस्पतालों में अभी बहुत से लोग हैं जो जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं, उनके घरों में सन्नाटा छाया हुआ है, लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये कार्रवाई अगर समय रहते पहले हो जाती तो इस तरीके की घटना समाज में ना होती। लोग जिस तरीके से आज बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनका परिवार बिलक रहा है, पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, जगह जगह रोने की चीख पुकारों की आवाज सुनाई दे रही है। सवाल ये भी है कि आखिर ये शराब कहां बनी और इसमें क्या मिलाया गया था। सरकारी ठेके तक अवैध शराब की खेप किसने पहुंचाई और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी क्या भूमिका थी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि शराब में जहर कहां से आया। इस सवाल की पड़ताल करते हुए जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो 2 ठिकानों का पता चलता है। वहां पर बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री मौजूद थी, यही नहीं कई नाम से रैपर और खाली बॉटल्स भी थी। आखिर कौन जहर बनाने और बेचने का ये कारोबार करता था, शराब के अंदर जहर कैसे पहुंचा देखिए। मौत के बाद एक्शन में पुलिस, एक साथ कई जिलों में छापेमारी। पुलिस ने कई जगह कार्रवाइयां की हैं, दबिश दे रही है, जैसे बुलंदशहर गई थी, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मैनपुरी आदि जगहों पे पुलिस दबिश दे दी है। पुलिस ने कई जिलों में एक साथ छापेमारी कर शराब के गंदे धंधे में शामिल लोगों का पर्दाफाश किया। इस दौरान उन ठिकानों का भी पता चला जहां से जहरीली शराब बांटी गई थी। जहरीली शराब कहीं और से नहीं बल्कि ताला नगरी की स्याही सैनिटाइजर फैक्ट्री और थाना अकराबाद के पनेठी चौकी इलाके से बांटी गई। शराब तस्कर और 50,000 के नामी विकास की सूचना पर पुलिस और आबकारी विभाग ने जिला प्रशासन की टीम के साथ छापेमारी की और पनेठी इलाके की दोनों फैक्ट्री के संचालक कारोबारी विजेंद्र कपूर और उनके अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर लिया। 2 बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं पुलिस द्वारा सील भी की गई और उसमें भारी बरामदगियां की गई हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी जारी हैं। पनेठी इलाके की फैक्ट्री से 40,000 लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद की गई। पुलिस ने तुरंत दोनों फैक्ट्रियों को सील कर आरोपियों को जेल भेज दिया। यही नहीं फैक्ट्रियों से बरामद शराब को जांच के लिए भेजा गया और 31 मार्च की देर शाम तक पता चल गया कि दोनों फैक्ट्रियों में मिथाइल अल्कोहल ही रखा गया था। पनेठी इलाके की फैक्ट्री में शराब बनाई जाती थी और फिर उसे सप्लाई किया जाता था।
करीब 10 घंटे तक चली कार्रवाई में पता चला कि दोनों फैक्ट्रियां स्याही बनाने का काम करती थी। जनवरी से वरदान जर्म्स के नाम से सैनिटाइजर बनाया जा रहा था, जिसके लिए लाइसेंस प्राधिकारी और निदेशक आयुर्वेद लखनऊ लिया गया था। लेकिन पुलिस को फैक्ट्री के परफॉर्मा पर भी संदेह है, साथ ही डीनेजर स्प्रिट का अधिकार है, लेकिन यहां सैनिटाइजर बनाने के लिए एथाइल और मिथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसका कोई लाइसेंस आबकारी विभाग से नहीं लिया गया। आबकारी से सिर्फ SDS केमिकल उपयोग के लिए FL-41 का लाइसेंस है, जो 2022 तक के लिए है, जबकि दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक 33,000 लीटर SDS केमिकल का उठान कागजों में दिखाया गया। फिलहाल में SDS स्टॉक फैक्ट्री में जीरो है, पुलिस ने जांच से ये भी खुलासा किया है। फैक्ट्री में मिथाइल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से सैनिटाइजर का निर्माण अवैध है, क्योंकि इससे मौत हो जाती है। पुलिस ने जांच में ये पाया कि शराब माफियाओं ने अवैध शराब के खरीदे गए एथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल दे दिया था, उसी को मिलाकर शराब बनाई गई थी, और मिथाइल अल्कोहल से बनी शराब ने मौत बनकर अलीगढ़ में तांडव मचाया। यानी सैनिटाइजर बनाने की आड़ में जहरीली शराब बनाने का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। फैक्ट्री से जांच टीम को तीन प्रकार के रसायन बरामद हुए, जिनमें स्प्रिट, इथाइल अल्कोहल और मिथाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की जांच टीम ने पुष्टि की है। पुलिस पूछताछ में कारोबारी विजेंद्र कपूर ने बताया कि वो बरेली से कच्चा माल लाता था, लेकिन किसको कितना बेचा जाए इसकी जांच चल रही है। हालांकि मई की शुरुआत में आरोपी विपिन यादव को 4 डिब्बे मिथाइल बेचे जाने की बात स्वीकारी है। इससे पहले भी विपिन यादव फैक्ट्री से मिथाइल अल्कोहल ले जाता रहा है। पुलिस ने विपिन यादव समेत 33 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 4 दिन के अंदर 33 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 50,000 के इनामिया अपराधी विपिन यादव एवं 2 प्रमुख अन्य अपराधी अजय चौधरी और मुनीष शर्मा, इनको गिरफ्तार पहले ही किया जा चुका है, तथा अब तक जो है 2 बड़ी फैक्ट्रियां जो हैं पुलिस द्वारा सील भी की गई और उसमें भारी बरामदगियां की गई हैं। पुलिस ने जिन फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया है वो साझेदारी में चल रही थी। पुलिस जांच में फैक्ट्री में कोई ठोस लाइसेंस या दस्तावेज नहीं मिले, सिर्फ एक ऐसा प्रपत्र मिला है जिससे साफ होता है कि जल्द ही किसी को इस फैक्ट्री में साझेदार बनाने की तैयारी थी। फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से शराब माफिया दहशत में है, पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। पुलिस NSA की कार्रवाई कर रही है, जिससे कि इन अपराधियों के बीच एक मजबूत संदेश जाए कि अगर वो इस प्रकार का अपराध करेंगे तो वो क्षम्य नहीं होगा। देखिए, जो CEO सिविल लाइन है विशाल चौधरी, उनका साफ तौर पर कहना है कि आरोपियों के खिलाफ NSA और गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि समाज में इस तरीके की दोबारा घटना ना हो। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, News 18 अलीगढ़। शराब माफिया को खत्म करने के लिए उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अलीगढ़ में प्रशासन ने शराब माफिया के ट्यूबवेल को ध्वस्त कर दिया। ये ट्यूबवेल शराब कांड में शामिल दिगंबर का है। लोधा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर इसे बनाया गया था। तो एक तरफ एक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ शवों का पोस्टमार्टम। CMO की माने तो अभी भी पोस्टमार्टम घर में कई शव रखे गए हैं, उनमें से कितने लोगों की मौत शराब से हुई है उसकी जांच की जा रही है। जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा सजेस्टिव हैं अल्कोहल से पॉइजनिंग की, बाकी जो डेथ्स हैं वो संदिग्ध की श्रेणी में हैं, और हम लोगों ने उसके विसरा और ब्लड सैंपल रखा हुआ है, जो हम लोग आगरा FSL में भेजेंगे। वहाँ से जब रिपोर्ट फाइनल आ जाएगी तभी हम कुछ उसके बारे में निश्चित रूप से कह पाएंगे। लेकिन सर, आज तक जो है अभी तक 71 ही पोस्टमार्टम हो पाए सर अपन? हाँ, अभी तक 71 हुए, लेकिन अभी हो रहे हैं, अभी ये फाइनल नहीं, ये फाइनल टैली नहीं है, अभी भी और पोस्टमार्टम हो रहे हैं। तो जब ये घटना रुक जाएंगी, पोस्टमार्टम बंद हो जाएंगे, तभी फाइनल कह पाएंगे इस बार। अभी सर कितने हो रहे हैं? नहीं, अभी मैं निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता। अभी सुबह में 2 हुए, कुछ बॉडी और रखी हुई है, उसमें से किस जब से जैसे 3 थे तो उसमें से एक इलेक्ट्रिकल डेथ थी और 2 संदिग्ध वाले थे। अभी जो 3 बॉडी रखी वो किस किस की रखी मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बेहद खूबसूरत और हॉट फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है।
जिसे देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। संजीदा शेख टीवी इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा है। संजीदा ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है और वो अपने एक्टिंग के टैलेंट से सबको अपना बना लेती हैं। संजीदा इन दिनों भले ही पर्दे से दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया से वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। महानायक अमिताभ बच्चन ने साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। तब से आज तक वो अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड के शहंशाह का आज बॉलीवुड से रिश्ता और गहरा हो गया है। अमिताभ बच्चन और वायरस महामारी के बीच कई हस्तियां लोगों से मजबूत और सुरक्षित रहने का आग्रह कर रही हैं। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी भी एक मैसेज अपने पोस्ट के जरिए शेयर कर रही हैं। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने मालदीव वेकेशन की एक थ्रोबैक फोटो पोस्ट की है, जो उन्होंने क्रिसमस के दौरान ली थी। तस्वीर में कियारा नियॉन ग्रीन बिकनी पहने समुद्र के नीचे गहरे में तैरते दिखाई दे रही हैं। कियारा ने मत्स्यांगना की तरह पोज देते हुए फोटो में बैक फ्लिप किया है और इसे कैप्शन देते हुए लिख रही हैं कि आप लहरों को नहीं रोक सकते, लेकिन आप तैरना सीख सकते हैं। संजीदा शेख टीवी जगत की मशहूर अदाकारा है। एक्ट्रेस को अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर जाना जाता है। हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने बेहद खूबसूरत और हॉट फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की है, जिसे देखकर आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। संजीदा शेख टीवी इंडस्ट्री की एक खूबसूरत अदाकारा है। संजीदा ने कई टीवी सीरियल्स में काम किया है और वो अपने एक्टिंग के टैलेंट से सबको अपना बना लेती हैं। संजीदा इन दिनों भले ही पर्दे से दूर हों, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया से वो बिल्कुल भी दूर नहीं है। महानायक अमिताभ बच्चन ने साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म सात हिंदुस्तानी से अपने करियर की शुरुआत की थी। तब से आज तक वो अपनी अदाकारी से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। बॉलीवुड के शहंशाह का आज बॉलीवुड से रिश्ता और गहरा हो गया है। अमिताभ बच्चन और बॉलीवुड का रिश्ता फिलहाल 52 साल का हो गया है। अमेरिका में रहने वाली कानपुर की एक बेटी को जब देश में कोरोना से हो रही मौतों की जानकारी मिली तो उसने 4 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भिजवा दिए। नैन्सी पांडे अमेरिका के कैलिफोर्निया में कई सालों से रहती है, लेकिन जब उसे अपने देश में कोरोना के हालात के बारे में जानकारी मिली तो उसे पीड़ितों के दर्द का एहसास हुआ और उसने भी मदद करने की ठान ली। अमेरिका से पीड़ितों की मदद के लिए 6,00,000 की कीमत के 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेज दिए, जिनको जरूरतमंदों को निशुल्क सेवा के रूप में दिया जाएगा। नैन्सी ने अमेरिका में एक भावुक वीडियो में लोगों से मदद के लिए आगे आने की अपील की है। मैंने यहाँ से कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स अरेंज करके भिजवाए और पर मेरी हेल्प यहाँ खत्म नहीं हो जाती क्योंकि मैं अपना जिस हिसाब से हर इंसान को एक्चुअली जैसा हो सके कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जब ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कानपुर के जूही आनंदपुरी स्थित उनके पिता के घर पहुंचे तो घर पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। आप ये जरूरतमंदों को निशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। नैन्सी के पिता भी अपनी बेटी के इस कार्य पर गर्व महसूस कर रहे हैं। मेरी बेटी अमेरिका में जॉब करती है और उसने यहाँ के हालात देखे, ऑक्सीजन से लोगों को मरते हैं, तो उसने ये भेज दिया और उसने कहा कि आप कास्ट ये लोगों की मदद करवाइएगा।
कोरोना के संकट काल में अपने ही अपनों के काम आते हैं और ऐसे में भारत की बेटी ने सात समंदर पार से लोगों की मदद के लिए एक सराहनीय कदम उठाया। उम्मीद है इससे और लोगों को भी मदद करने की प्रेरणा मिले। कानपुर से न्यूज 18 के लिए श्याम तिवारी की रिपोर्ट। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मैं जाइएगा।